हेलो दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है। तो कंडीशनल पे मैंने बताया था कि कंडीशनल में तीन स्टेटमेंट्स होते हैं, तो इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है। ओके, तो मैंने एक वेरिएबल लिया था पिछले वीडियो से ही, कि एक वेरिएबल डिफाइन किया था ए, उसका वैल्यू असाइन कर दिया 6, और हमने इफ स्टेटमेंट लगाया था कि इफ़ ए ग्रेटर देन 5 तो हमें प्रिंट करना है आई एम इनसाइड इफ। ठीक है, तो ये तो प्रिंट हो जाएगा जब ए ग्रेटर देन वैल्यू। तो एल्स कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो एल्स का भी सेम है, अभी के लिए मैं कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ वापस। ओके, मैंने जैसा बताया था अगर एक लाइन ऑफ कोड है इफ़ के अंदर तो आप कर्ली ब्रेसेस हटा सकते हो, सेम एल्स के लिए भी जाता है। तो एल्स का सिंटेक्स कैसा है, एल्स, और एल्स में कोई कंडीशन नहीं होता। जैसा आपने देखा इफ़ के लिए कोई कंडीशन है कि ये कोड फॉल्स होगा, ये कोड ट्रू होगा, तभी इसके अंदर हम लोग जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। एल्स का क्या है, एल्स उल्टा है, इफ़ अकेले हो सकता है लेकिन एल्स अकेले नहीं हो सकता। हम मतलब सिर्फ एल्स अकेले नहीं लिख सकते, एक एल्स लिखने के लिए कम से कम एक इफ़ होना ही चाहिए। ओके, तो एल्स कैसे काम करता है, जब ये कोड फॉल्स होगा, अगर ये इफ़ ट्रू नहीं हुआ, इफ़ का कंडीशन, और ये कोड रन नहीं हुआ तो एल्स का पार्ट रन होगा। तो कैसे होगा, तो हम लोग एक बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख लेते हैं पहले, आई एम इनसाइड एल्स। ओके, सेव करते हैं, सेमीकोलन, इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रन करते हैं, जावा सी कंडीशनल, रन हो, कंपाइल हो गया, आई एम इनसाइड इफ। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए का वैल्यू 6 है। ओके, 6 इज़ ग्रेटर देन 5, ट्रू, ट्रू, तो इफ़ का स्टेटमेंट रन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अगर इफ़ और एल्स में क्या है कि इफ़ और एल्स में बस एक ही लाइन स्टेटमेंट रन हो सकता है, या तो इफ़ स्टेटमेंट रन होगा या तो एल्स स्टेटमेंट रन होगा, क्योंकि यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट रन हो चुका है इसलिए एल्स स्टेटमेंट रन नहीं होगा। तो कंपाइलर क्या करेगा, वो देखेगा इफ़ का ट्रू है कंडीशन, इफ़ के अंदर का कोड रन करेगा और उसके बाद एल्स को स्किप कर देगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हाई आई एम आउटसाइड इफ़। तो इसने प्रिंट किया हाई आई एम इनसाइड इफ़, हाई आई एम आउटसाइड इफ़। तो एक काम करते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं। ओके, 4। ठीक है, अब फिर से रन करते हैं, जावा सी, जावा कंडीशनल। तो यहाँ क्या बोल रहा है, हाई आई एम इनसाइड एल्स, हाई आई एम आउटसाइड इफ़। तो क्या हुआ, ए का वैल्यू 4 हुआ, तो 4 ग्रेटर देन 5 नहीं, फॉल्स है। तो फॉल्स होने पे क्या हुआ, इफ़ का कोड तो रन नहीं होगा। तो कंपाइलर चेक करेगा कि क्या कोई एल्स है, हाँ एल्स है। तो अगर इफ़ का कोड रन नहीं हुआ तो एल्स का कोड रन होगा, तो वो क्या करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो स्क्रीन पे हमें दिख जाएगा हाई आई एम इनसाइड एल्स। ओके, उसके बाद कंपाइलर जाके इस लाइन ऑफ कोड को रन कर देगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर सिंगल लाइन है इफ़ और एल्स के अंदर, तो आप ऐसा कर सकते हो कि कर्ली ब्रेसेस हटा सकते हो। तो यहाँ पे एक एक लाइन ही है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि हटा देता हूँ, कर्ली ब्रेसेस हटा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप मत हटाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं, आउटपुट सेम है। तो अभी के लिए मैं कर्ली ब्रेसेस ला देता हूँ, बस आपको दिखाने के लिए। ओके, तो ये था एल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इफ एल्स के बारे में देखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आई एम सॉरी, एल्स इफ के बारे में देखेंगे।